अगर मैं आपसे कहूं कि मैं हेलमेट पहनूं और मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो संदेश घर वालों को पहुंच जाए, आप कहेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन रायपुर के रविशंकर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट ने एक ऐसा ही स्मार्ट हेलमेट बनाया है। हम सीधे स्मार्ट हेलमेट आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे कि ये काफ़ी स्मार्ट हेलमेट है, इसमें काफ़ी सारी खूबियाँ हैं। जैसे कि अगर कोई अल्कोहल पीकर गाड़ी चलाता है तो वो गाड़ी नहीं चला पाएगा। हेलमेट में सेंसर लगा हुआ है तो ऐसे में ही गाड़ी बंद हो जाएगी। इसके अलावा इस हेलमेट की एक ख़ास बात यह भी है कि अगर आप हेलमेट लगाए हुए हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपके परिवार वालों को मैसेज चला जाएगा, लोकेशन चला जाएगा। इसका डेमो भी हम देखेंगे। अरुण हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इस स्मार्ट हेलमेट का इजाद किया है। अरुण, आप थोड़ा डेमो करके भी दिखा दीजिए कि ये हेलमेट किस तरह से काम करता है। जी मैम, देखिए कि पहले अगर हम हेलमेट पहनते हैं तब जाके बाइक स्टार्ट होता है। मैं दिखाता हूँ आपको, हेलमेट पहना मैं, अंदर एक बटन रहता है वो दबेगा तो सिग्नल पहुंचता है तो ये बाइक स्टार्ट हो गई। जैसे मतलब ये बाइक स्टार्ट हो गई, ऐसे बाइक हम लोग इसको लिए हैं अभी। तो अभी जैसे बाइक पहन मतलब हेलमेट पहना, बाइक स्टार्ट हो गया। अगर मैं साथ में अल्कोहल लिया हूँ तो बाइक बंद हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ अल्कोहल लेता हूँ, मैं अभी अल्कोहल के लिए मैं ये मतलब सैनिटाइज़र की यूज़ कर रहा हूँ। इसमें बाइक बंद हो जाएगा। और जैसे अगर रास्ते में, और जैसे कि आप एक्सीडेंट वाली बात भी बता रहे थे कि अगर आप हेलमेट पहनकर गाड़ी चला रहे हैं और अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो हेलमेट कैसे संदेश पहुंचाएगा? मैं हेलमेट में ना ऐसा जीएसएम लगा हुआ है। जीएसएम क्या करता है, मैसेज को भेजता है, और जीपीएस क्या करेगा, लोकेशन को भेजेगा। तो इसमें दो चीज़ लगा हुआ है, जीएसएम और जीपीएस। तो जैसे आपको मैं दिखाता हूँ अभी डेमो के लिए, अभी एक्सीडेंट को डिटेक्ट करा रहे हैं। अभी आपके पास मैसेज भी आएगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए मैसेज भी आ गया। इसमें लोकेशन भी आएगा साथ में। अगर इस हेलमेट को बनाने में अगर लागत की बात करें तो कितनी लागत लगी है? मैम ये लगभग ना 10,000 लगा हुआ है, लेकिन अगर इसको हम लोग बल्क में बनाते हैं तो इसको हम ये जो लागत है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। कितने की लागत से बाज़ारों में इस हेलमेट को बनाई जा सकती है? मैम अभी अगर इसको मतलब सिंगल इंडिविजुअली बनाएंगे तो ये 10,000 लग जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारा फीचर्स हैं, हाइट मतलब नया नया टेक्नोलॉजी का, तो इसका जो लागत जो है थोड़ा अभी ज़्यादा है। जैसा को आपको मालूम है कि हमारे यहाँ हर वर्ष MSc के विद्यार्थी कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाते हैं। इस बार भी बनाया है जिसमें स्मार्ट हेलमेट बहुत ही चर्चित है। इसलिए चर्चित है क्योंकि ये समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये जो आए दिन होने वाली दुर्घटनाएं हैं उसको रोकने की कोशिश करेगा। ये एक पहल है उस डायरेक्शन में। जब इसका कमर्शलाइजेशन कहेंगे, जिसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग फ्रॉम लैब टू रोड, है ना, और जब ये कमर्शलाइज वे में बनेगा तब इसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। और स्मार्ट हेलमेट का मतलब है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मीन्स जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नाम आपने सुना होगा, और GSM जो भी कम्युनिकेशन है उसके मार्फत से न केवल ये जहाँ एक्सीडेंट हो रहा है वहाँ पे नियर जो हॉस्पिटल है वहाँ सूचना जाएगी, उनके परिजन को भी जाएगी, आसपास जो लोग हैं, बाइक है, बाइक के आसपास जो है एक्सीडेंट होने वाला है उससे बचेगा और गाड़ी बंद हो जाएगी। कर मेरा नाम सुनंदन मंडल है, मैं गेस्ट फैकल्टी हूँ स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटोनिक्स रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में। और इस साल हमारे जो MSc के छात्र हैं अरुण कुमार पटेल और भूमिका साहू, दोनों ने मिलकर जो है एक स्मार्ट हेलमेट का निर्माण किया है, जिससे कि हम जो है एक्सीडेंट से बच सकते हैं। बाइक एक्सीडेंट जो होता है वो, जिसमें जैसे कि अल्कोहल जो पी के गाड़ी चलाते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट होता है, तो उससे बच सकते हैं। और अगर एक्सीडेंट होता है तो जो नियर हॉस्पिटल है या फिर उनके परिजन हैं उन तक हम मैसेज भी भेज सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द जो भी एक्सीडेंट हुआ है जिसके साथ उसको हेल्प मिल सके। रोड एक्सीडेंट, जैसे कि आप सब जानते हैं हर घंटे हर मिनट रोड एक्सीडेंट होता हुआ है, और बहुत लोगों का जान भी जा सक मतलब जाता है क्योंकि हेलमेट
नहीं पहनते हैं इसीलिए। तो इसके लिए हम लोग एक स्मार्ट हेलमेट बनाए हैं, इसमें जो बहुत सारा फीचर्स है, जैसे कि हम इसमें दो टाइप का इसको डिवाइड किया गया है, एक रिसीवर एक ट्रांसमीटर। जो रिसीवर पार्ट है वो बाइक में लगेगा, जो ट्रांसमीटर पार्ट है वो हमारे हेलमेट में लगेगा। तो इसमें पहला फीचर्स ये है कि अगर हेलमेट हम नहीं पहनते हैं तो बाइक स्टार्ट नहीं होगा, जब हम हेलमेट पहनेंगे तब जाके बाइक स्टार्ट होगा। दूसरा फीचर इसमें यह है कि अगर हम लोग साथ में अल्कोहल लिए हैं तब भी बाइक स्टार्ट नहीं होगा। और इसके बाद अगर हम लोग रास्ते में अगर जा रहे हैं, कहीं पे हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें क्या रहेगा, वाइब्रेशन सेंसर रहेगा और पल्स रेट सेंसर रहेगा। तो दोनों के सेंस करके क्या होगा, हमारे घर में और इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल में मैसेज चला जाएगा। मैं आखिरी में ये बोलना चाहूँगा कि हेलमेट बस पुलिस से बचने के लिए ना पहने, हेलमेट इसलिए पहने ताकि आप दोबारा अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार को दोबारा मिल सकें। स्मार्ट हेलमेट के अनेकों फायदे हैं। यदि आप हेलमेट नहीं लगाएंगे और अगर आप गाड़ी चलाना चाहेंगे तो ऐसे में आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आप हेलमेट नहीं लगाएंगे। इसके अलावा इस हेलमेट की एक खूबी ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और वे इस हालत में ना रहे कि वे अपने घर वालों को सूचित कर पाए या आसपास के लोगों को सूचित कर पाए, तो इस हेलमेट के जरिए उनके घर वालों को सीधा लोकेशन के साथ मैसेज चला जाएगा कि उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है। इसके अलावा इस हेलमेट में एक और ख़ास बात है कि यदि कोई व्यक्ति अल्कोहलिक है और अगर वो बाइक के माध्यम से कहीं दूसरी जगह जाना चाहता है तो ऐसे में उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी क्योंकि उन्होंने अल्कोहल धारण किया हुआ है। तो इस तरह से इस हेलमेट की काफ़ी सारी खूबियां है जो आने वाले समय में युवाओं के लिए एक क्रांति लेकर आएगी। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।